इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो छात्र आईटीआई के छात्र हैं जुलाई और अगस्त में 18 में एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद यही एक समस्या होती है कि एग्ज़ाम कब आएगा, पूरे एक महीने बीत गए हैं। तो मैं चलिए बताता हूँ कि कैसे आप देखेंगे एनसीईआरटी की वेबसाइट पर क्या प्रोसेस चल रहा है रिजल्ट आने का। तो सबसे पहले आप लिखिए एनसीईआरटी MIS, क्लिक करते ही आपके सामने एक एनसीईआरटी MIS होम पेज खुल जाएगा। नीचे इसको आप क्लिक करिए, इसको क्लिक करते ही ये जानकारी मैं आप लोग को कहीं से ला कर नहीं दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के पोर्टल पर दिया गया है, एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूँ आपको कि रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक कैलेंडर दिया गया है, कैलेंडर में एकेडमिक कैलेंडर है, तो उसको आप क्लिक करिए एकेडमिक कैलेंडर को। उसको क्लिक करते ही आपके सामने दो टाइप्स के खुल जाएंगे, एक एग्ज़ाम सिस्टम और एक एकेडमिक सेशन, एक एग्ज़ाम सिस्टम और एक एकेडमिक सेशन। तो आप एग्ज़ाम सिस्टम में सेमेस्टर क्लिक करिए क्योंकि आप सेमेस्टर वाले हैं, और यहाँ पर सेशन कौन सा आपका, यानी कि आप कब कौन से सेशन में एग्ज़ाम दिए, तो अगस्त 18 में दिए हैं, तो अगस्त 18 को आप क्लिक करिए। अगस्त 18 क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा ही पूरी पेज खुल जाएगा। अब इसमें आप सोच रहे हैं क्या सब दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए एक टास्क नेम दिया गया है, यानी कि क्या क्या टास्क होंगे, और यहाँ पर स्टार्ट डेट यानी कब वो स्टार्ट होगा और कब वो ख़त्म हो जाएगा, इसी में सब कुछ दिया रहा है, एग्ज़ाम कब होगा, कब एडमिट कार्ड मिलेगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, हरदम ये अपडेट होता रहता है, ये जानकारी यहीं से मिलती है। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट की जो बात हो रही है, रिजल्ट कब आएगा, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो डेट है ये दिख रहे हैं आप लोग हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन की, ये 16 अक्टूबर 2018 और 30 अक्टूबर 2018 के बीच में ही रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा। लगभग 16-17 अक्टूबर को डिक्लेरेशन हो जाता है, अगर लेट हुआ तो यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक पूरी डिक्लेरेशन एकदम कन्फर्म है, एकदम डेट फिक्स है लगभग ये एक बार से। और यहाँ पर लिखा है प्रिंट मार्कशीट, आप मार्कशीट को प्रिंट करेंगे तो 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच मार्कशीट को भी आप प्रिंट कर सकते हैं, हर सेमेस्टर की मार्कशीट आती है आप लोग प्रिंट कर सकते हैं उसको हैं। और फिर देखिए यहाँ पर अगला जो सेमेस्टर आएगा आप लोगों का 19 में, तो उसकी आप लोग कब एडमिट कार्ड मिलेगा तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। ये देखिए आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो लगभग 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में आ जाएगा, यानी नए साल तक जनवरी में आप लोग को एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और लास्ट में प्रैक्टिकल होगा, और फिर आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, और उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है 26 मार्च 2019 से लेकर 20 मार्च 2019 के बीच में उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा, और उसकी आप 1 अप्रैल 2019 और 30 अप्रैल 2019 को प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि सारी जानकारी अपडेट हो चुकी है, इसी के अपडेट सभी एग्ज़ाम होता है, रियल डिक्लेरेशन होता है। चाहे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF में, या चाहे आप कहीं से भी इसको, यहाँ पर देखिए आप लिखा ना स्पोर्ट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चाहे PDF में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों के लिए एक नया वीडियो भी बना कर लाऊँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।